कालीघाट टेम्पल इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल के अंदर एक है। 51 शक्ति पीठ के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय मंदिर है कालीघाट मंदिर। कहते हैं जो काली माँ का दर्शन एक बार कर ले उनका मन्नत माँ जरूर पूरी करता है। धूप हो या बारिश, माँ का दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु हर रोज विजिट करता है। हाय फ्रेंड, मैं हूँ सौरभ राज और आप देख रहे हो राइट राइडर्स। मैं आज आया हूँ कालीघाट टेम्पल में काली माँ का दर्शन करने के लिए। मेरा पीछे ये देख सकते हो एक कालीघाट टेम्पल का गेट नंबर 2 है। मैं ये वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा आप कालीघाट टेम्पल कैसे आ सकते हो, इधर माँ का दर्शन करने के लिए कैसा प्रोसीड्योर होता है, सब मंदिर का टाइमिंग्स क्या है, कोविड का क्या गाइडलाइन है, वो सब कुछ मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करके रखिए, क्योंकि मैं जैसे ही ट्रैवल वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का डिजिटली सफ़र कालीघाट टेम्पल में। कालीघाट मंदिर आने के लिए हावड़ा एंड सियालदह स्टेशन से आपको बस मिल जाएगा। आप ओला उबेर बुक करके भी बहुत इजीली मंदिर पहुंच सकते हो। कालीघाट मंदिर का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कालीघाट मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से उतर के आपको एक नंबर गेट से बाहर निकल के राइट हैंड साइड में जाके फिर से आपको लेफ्ट हैंड साइड में गली के अंदर जाना होगा। स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे आप मंदिर पहुंच जाओगे। पैदल अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो स्टेशन का बाहर से आपको हैंड रिक्शा मिल जाएगा। हैंड रिक्शा 30 रुपए में आपको मंदिर तक छोड़ देगा। स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस के बाद आप मंदिर का 4 नंबर गेट तक पहुंच जाओगे। 4 नंबर गेट के पास भी आपको पूजा सामग्री परचेस करने का दुकान मिल जाएगा। आप इधर से पूजा सामग्री परचेस करके मंदिर के अंदर जा सकते हो। ये है मंदिर का 4 नंबर गेट। आप अगर प्राइवेट कार और बाइक लेके आओगे तो आपको मंदिर का मेन गेट से अंदर रास्ते पे जाना होगा। अंदर कार पार्किंग का गूगल लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। मेन गेट से अंदर आओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक चर्च दिखेगा। चर्च के पास से रास्ते से आप सीधा जाओगे तो आप मंदिर का 1 नंबर गेट के पास आ जाओगे। इधर भी आपको पूजा सामग्री परचेस करने का बहुत सारा दुकान मिल जाएगा। ये है मंदिर का 1 नंबर गेट। कोविड के वजह से 1 नंबर गेट अभी बंद है। कालीघाट मंदिर एवरीडे ओपन रहता है। मंदिर मॉर्निंग का 4 बजे ओपन हो जाता है, लेकिन दर्शनार्थी के लिए मंदिर का ओपनिंग टाइम है मॉर्निंग का 5 बजे। मंदिर दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक क्लोज रहता है, फिर 4 बजे ओपन होकर रात को 10:30 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है। मंदिर में आप अगर भोग देना चाहते हो तो मॉर्निंग आपको मंदिर में आके आपको मंदिर का पांडा या फिर मंदिर कमेटी के साथ बात करना होगा। ये है मंदिर का गेट नंबर 2। ये भी अभी कोविड के लिए बंद है। 2 नंबर गेट के पास भी आपको पूजा सामग्री परचेस करने का दुकान मिल जाएगा। ये है काली माँ का स्पेशल मिठाई। आप इधर से मिठाई, फूल, धूप परचेस करके मंदिर के अंदर जा सकते हो। मंदिर के अंदर आप अगर पूजा नहीं दे पाओगे तो आप मंदिर के बाहर भी पूजा दे सकते हो। मंदिर का अंदर जाने के लिए अभी सिर्फ 4 नंबर गेट ही ओपन है। मंदिर के अंदर घूमने के लिए और पूजा देने के लिए 50 से 100 रुपए देकर आपको पंडा पकड़ना होगा। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है और आप मंदिर के अंदर कोई भी सामान लेके भी नहीं जा पाओगे। सामान रखने के लिए आप जो दुकान से आप पूजा सामग्री परचेस करोगे वो दुकान में ही आप अपना सामान रख सकते हो। ये है मंदिर का फ्रंट साइड 5 नंबर गेट। 5 नंबर गेट के बाहर भी आपको पूजा सामग्री परचेस करने का दुकान मिल जाएगा। कोविड के वजह से ये गेट भी अभी बंद है।
ज्यादा भीड़ होने से मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु पूजा नहीं दे सकता है वो लोग मंदिर के बाहर भी पूजा दे सकते हैं। मंदिर के पास गंगा नदी दर्शन के लिए आपको एक नंबर गेट का ऑपोजिट साइड रास्ते से सीधा जाना होगा। इधर ज्यादा बारिश होने पे रास्ते पे पानी भर जाता है। रास्ते पे पानी इतना हो गया, राजहंस भी रास्ते में खेलने के लिए आ गया। राजहंस चला अपना रास्ते पे अपना घर और मैं चला अपना रास्ते गंगा नदी के पास। मंदिर घाट से अब गंगा मिट्टी और गंगा पानी भी परचेस कर सकते हो। घाट का लेफ्ट हैंड साइड में है संतासी माता का मंदिर, आप इधर भी पूजा दे सकते हो। और मंदिर का राइट हैंड साइड में एक जगन्नाथ मंदिर है, आप इधर भी पूजा दे सकते हो। ये मेन गंगा नदी नहीं है, इसको आदि गंगा कहते हैं। भागीरथी नदी के साथ ये आदि गंगा मिलता है। ऐसे छोटे बच्चों को आप पानी में खेलते हुए भी देख पाओगे। गंगा दर्शन के बाद मैं मंदिर में और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए आया। पंडा लोग अभी सब सो रहा है। मंदिर के आसपास साफ सफाई में इधर का गवर्नमेंट एंड मंदिर कमेटी को और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मंदिर का एक नंबर गेट के बाहर भी आपको पे एंड यूज टॉयलेट का फैसिलिटी मिलेगा। लोकल स्ट्रीट फूड में आपको इधर दाल का बड़ा, समोसा, कचौरी एंड आलू का सब्जी भी मिलेगा। कालीघाट मंदिर से घर वापस जाते टाइम आप इधर से लोकल हैंडक्राफ्ट आइटम एंड पूजा का सामान परचेस करके अपना घर ले जा सकते हो। ये है कालीघाट का लोकल मार्केट जो अभी पानी से पूरा भर गया। मैं इधर खाने के लिए मेट्रो के पास एक रेस्टोरेंट पे गया था। ये भी स्ट्रीट फूड है। इधर मैं 24 रुपीस देकर दो पराठा और आलू का सब्जी लिया था। कालीघाट वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पानी बहुत ज़्यादा है, गंगा में पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया इसलिए इधर पूरा पानी पानी हो गया है पूरा। ज़्यादातर ऐसा पानी नहीं रहता है, अगर ज़्यादा बारिश होता है तो ही सिर्फ ऐसा पानी होता है। वैसे आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर आ सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।